दोस्तों स्नैक के ऊपर क्या फैमिली बनाकर आप लोग अर्निंग कर सकते हैं, अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। थंबनेल के ऊपर मैंने अपनी अर्निंग भी आपको शो करवा दी है कितनी है, लेकिन इसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है आज की वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा किस तरह से आप लोगों ने अपनी फैमिली क्रिएट करनी है, किस तरह से उसको रजिस्टर करना है, और ऑफिशियल का नंबर मैं आपको खुद इसी वीडियो के अंदर दूंगा। वीडियो को पूरा देखिएगा, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ओपन कर दीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलते हैं बिना टाइम वेस्ट के अपनी वीडियो की जानी। दोस्तों बहुत सारे दोस्त ये कहते हैं कि यार हम इंडिविजुअल सैलरी लगवाते हैं तो $40-50 लग जाती है। तो सैलरी से मुझे याद आया कि जिनकी सैलरी के लिए मैंने अप्लाई किया था तो उनको मैंने नोटिस भेज दिया है जो ऑफिशियल की जानिब से आया है। तो सीटें अंडर रिव्यू है, थोड़ा बहुत टाइम लगता है, इंशाल्लाह इसी वीक के अंदर अप्रूव होके आ जाएगी, तो परेशान नहीं होना। तो दोस्तों अगर आप लोग फैमिली में इंटरेस्टेड है, फैमिली बनाना चाहते हैं तो बिल्कुल बनाइएगा, अच्छी खासी अर्निंग है। इंडिविजुअल सैलरी यानी अपने अकाउंट पे सैलरी लगवाने से ज्यादा आपको फैमिली से मिलता है। इसकी वजह यह है कि जितने मेंबर्स की आप फैमिली के अंदर सैलरी लगवाते हैं उसका 10% आपको मिलता रहता है। तो वीडियो के अंदर मैं आपको पूरा तरीका बताऊंगा किस तरह से आप लोगों ने फैमिली को रजिस्टर कराना है। उसके लिए 30 मेंबर आपके पास होने चाहिए जिनके अदर ऐप पे फॉलोवर हो, टिकटॉक, लाइक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, और वीडियो की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। वीडियो क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो वो रजिस्टर नहीं होंगे, फिर आपका बोनस नहीं मिलेगा। और जब आप लोग डाटा सबमिट करवाएंगे तो आप लोगों को कुछ रिक्वायरमेंट चाहिए, UID है, अदर ऐप लिंक है, वो सारी चीजें मैं आपको आगे स्क्रीन पे बताऊंगा। अगर आप लोग को UID निकालना नहीं आता, क्योंकि ये भी एडमिन की रिस्पॉन्सिबिलिटी में है, उसको 10% इसी चीज का मिलता है काम का, तो UID निकालने के लिए दूसरे नंबर पे आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, UID किस तरह निकालते हैं वहां से आपको पता चल जाएगा। तो इस तरह से तमाम जितनी चीजें हैं वो आगे आगे चल के मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बार फिर से याद करवा दूं कि अगर आप लोग चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ओपन कर दीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए अपनी वीडियो की जानिब। तो दोस्तों हम फैमिली के ऊपर आ चुके हैं। इसके अंदर 2 से 3 चीजें ऐसी होती है जिसका आप लोगों ने सबसे ज्यादा ख्याल करना होता है। जब भी आप फैमिली रजिस्टर करवाने जाते हैं तो आपकी फैमिली के अंदर एक तो मेंबर्स होने चाहिए 200 से ऊपर होने चाहिए, बेशक उनके अंदर ऐप पे फॉलोवर ना हो, लेकिन आपके पास रजिस्टर करवाने के लिए 30 ऐसे मेंबर होने चाहिए जिनके अदर ऐप पे फॉलोवर हो, टिकटॉक, लाइक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं है, और इनकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। बाकी मैं तमाम आपको आगे स्क्रीनशॉट दिखा दूंगा, पूरा एक स्क्रीन के ऊपर दिखा दूंगा जो शीट आपको ऑफिशियल की जानिब से मिलती है। तो यहां पे आप देख सकते हैं ये मेंबर्स मेरे ऐड हैं, यहां पे ये तमाम जितने मेंबर थे, इसके अंदर काफी सारे रजिस्टर नहीं है लेकिन ऐड करना जरूरी होता है ताकि फैमिली की रैंकिंग अच्छी बन जाए। काफी भाइयों को नहीं पता कि फैमिली कहां शो होती है, तो फैमिली यहां शो होती है। अगर किसी का क्रिएट फैमिली ऑप्शन आ रहा है तो इसका मतलब है ना वो फैमिली में ऐड है ना उसके पास कोई फैमिली है। तो यहां से आप लोगों ने ये करना है। अब चलते हैं एक्सेल शीट के ऊपर कि आप लोगों को क्या क्या चाहिए, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बताता चलूं, देखिए वीडियो आप लोगों ने किस तरह अपलोड करनी है। जब भी आप लोग डाटा कलेक्ट करते हैं किसी भी मेंबर्स का जिनका आप लोगों ने सैलरी के लिए अप्लाई करना है, तो 30 मेंबर आपके पास ऐसे होने चाहिए जिनके अदर ऐप पे फॉलोवर हो आप लोगों की, तब रजिस्टर होती है फैमिली। तो आप लोगों ने क्या करना है, देखिए जो भी आप लोग मेंबर्स का डाटा सेंड करते हैं तो यही ख्याल करना कि उनकी वीडियो क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, उनके वीडियो के ऊपर टाइटल सब टाइटल लिखा होना चाहिए जिस तरह मेरी वीडियो के ऊपर लिखा आपको नजर आ रहा है। नीचे आप लोग देख सकते हैं यहां पर आप लोगों ने #ट्रेंडिंग के डालने हैं, और क्वालिटी वाइज अच्छी वीडियो होनी चाहिए तो आपके 30 के 30 मेंबर पास हो जाएंगे और आपकी फैमिली रजिस्टर हो जाएगी। अब डाटा आप लोगों ने किस तरह से भेजना है वो आप लोग देख लीजिएगा। डाटा के लिए आप लोगों को मैं यहां पे ऑफिशियल के नंबर भी आप लोगों को दे दूंगा, ऑफिशियल का नंबर भी आप लोग वो कर लेंगे सेव और वहां से आप लोगों ने भेजना है। अब मैं यहां पे आप लोगों को कुछ चीजें दिखाता हूं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां पे मैं आपको वो एक्सेल शीट दिखाने जा रहा हूं, ये आप लोगों को मिलेगी ऑफिशियल की जानिब से। ये मैं आपको नंबर आपको दे देता हूं ऑफिशियल का, आप लोगों को शायद स्क्रीन पे पहले में भी मैंने दिखा दिया है, इस तरह की एक शीट मिलेगी। तो यहां पे आप लोगों ने क्या करना है ये पूरा देखें, पहले नंबर पे डेट है, फिर ऑफिशियल एजेंसी है, फिर उसके बाद ऑफिशियल एजेंसी UID है, फिर फैमिली नेम है, उसके बाद आपको मैं थोड़ा सा यहाँ पे ये जूम को क्रॉस करके दिखा देता हूँ, उसके बाद ग्रुप एडमिन का नाम है, फिर उसके बाद मेंबर्स नेम है, फिर उसके बाद इंटरव्यू का लिंक है, मेंबर ID है, अदर ऐप लिंक है। ये ग्रीन जो है ये आपने छोड़ देना है, ये ऑफिशियल का काम है, इसे ऑफिशियल खुद हल करेगा। उसके बाद अदर ऐप ID है, जेंडर है, फिर ये सारे ग्रीन छोड़ देने हैं, ये ऑफिशियल का काम है। लास्ट में है #टैग और चैलेंज, ये #टैग वो होता है, अब मैं आपको टोटल बता देता हूँ #टैग जो होता है वो कौन सा है। आप लोगों ने कोई भी अपने मेंबर से ऐसे #टैग पे वीडियो बनानी है जो ट्रेंडिंग पे चल रहा है और वो #टैग आप लोगों ने यहाँ पे ऐड करना है। मैं शुरू से आपको बताता चलूँ, यहाँ पे पहले आएगी डेट, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आज डेट जो भी है तो आप लोगों ने कैसे डालना है मैं आपको डेट बता देता हूँ। 30 मई है तो 30
फाइव यानी पांचवा महीना, फिर डैश, फिर उसके बाद साल 2022, उसके बाद एजेंसी नेम है, ये एजेंसी नेम है, ये एंड तक चलता रहेगा, एंड तक यूं आता रहेगा, इसको वो कुछ भी नहीं करना आप लोगों ने इसको। फॉर एग्जांपल अगर आपके मेंबर ज़्यादा हो रहे हैं तो आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे नीचे भी इसको पेस्ट कर देना है और ये यूं चलता रहेगा। उसके बाद ये यूआईडी है, ये भी इसी तरह से नीचे आती रहेगी, बिल्कुल नीचे तक यहाँ तक आ जाएगी, इसको भी नहीं छेड़ना आप लोगों ने, इसको भी इसी तरह से लेके जाना है। उसके बाद यहाँ पे है फैमिली नेम, देखिए फैमिली का नेम आपका क्या है, मेरा फैमिली नेम है पाकिस्तानी पठान फैमिली, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, पाकिस्तानी पठान फैमिली, तो ये यहाँ पे मैं पाकिस्तानी पठान फैमिली डाल दूंगा। उसके बाद यहाँ पे है ग्रुप एडमिन नेम, ग्रुप का एडमिन नाम क्या है, देखिए मेरी आईडी का जो नेम है मैं वही डालूंगा, वही आप लोगों ने डालना है जिस आईडी के ऊपर आपने अपनी फैमिली क्रिएट किया है। उसके बाद है मेंबर नेम, मेंबर का नाम क्या है, मेंबर नेम जो आपने मेंबर का डाटा सेंड करना है, पहले उसका नेम आएगा, उसके बाद आप लोगों ने उसकी इंट्रो वीडियो का लिंक देना है। इंट्रो वीडियो का मैंने, अगर आपको नहीं पता किस तरह बनती है तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया हुआ है, उस वीडियो को देखिएगा, इंट्रो वीडियो बनाना भी आपको आ जाएगी, पेज के ऊपर बनती है। उसके बाद मेंबर का यूआईडी नेम, मेंबर का यूआईडी जो होता है अगर आपको निकालना नहीं आता, ये एडमिन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है निकाल के देना, अगर आपको नहीं आता तो नीचे लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में सेकंड नंबर पे, वो आप लोगों को यूआईडी का तरीका बता देगा। अदर ऐप लिंक टिकटॉक, लाइकिंग, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ये यहां पे आप डालेंगे, बेशक इसको थोड़ा खोल दे इस तरह से, कोई इशू नहीं है, या आप इसे खोल भी सकते हैं, ये इस तरह से ओपन हो जाती है, अभी मेरे ख्याल से यहाँ पे शीट ओपन नहीं हो रही। उसके बाद ग्रीन वाला छोड़ देना, उसके बाद अदर ऐप का यहाँ पे आईडी देनी है, अदर ऐप पे क्या उसका नाम है, अदर ऐप का यूजर नेम छोटा सा लिखा होता है नीचे, आप लोगों को पता चल जाएगा, उसको कॉपी करके यहाँ डालना है। उसके बाद जेंडर डालना है, मेल है या फीमेल है, उसके बाद ये सारे ग्रीन जो पार्ट है ये छोड़ देना है। उसके बाद चैलेंज, मैंने आपको बताया कि कोई भी हैशटैग है इसके ऊपर जो वीडियो बनवाते हैं उसका आप लोगों ने लिंक किया, आप लोगों ने सिर्फ हैशटैग यहाँ डालना है, लिंक कुछ भी नहीं देना, यहाँ पे सिर्फ हैशटैग डालना है। और सबसे अहम चीज़ है, यहाँ से आप लोगों ने शेयर एंड एक्सपोर्ट पे जाना है, और यहाँ शेयर एक्सपोर्ट पे जाके यहाँ से इनको एडमिन आप लोगों ने बनाना होता है। ये देखें यहाँ पे आप लोगों को मेल भी, मुझे तो इन्होंने मेल भी सेंड की थी, एक इनका वो जो ऑनर है उसकी है, दूसरे नंबर पे एडिटर है जो कि हाया हुत है, ऑफिशियल का नंबर मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप लोगों ने सिर्फ इनको मैसेज करना है। अगर आपके पास 30 मेंबर पूरे हैं और फैमिली के अंदर और नहीं तो 100 लोग भी होंगे तो फिर भी काम चल जाएगा, तो आप लोगों ने भेजना है। उसके बाद ये शीट वगैरह हर चीज़ आपको वो दे देंगे, ये लाजमी कीजिएगा, और लाख रुपए से ऊपर आप आराम से कमा सकते हैं अगर फैमिली के अंदर आपके मेंबर ज़्यादा है, क्योंकि हर बंदे का 10% आपको मिलेगा।